हेलो एंड वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर। और पुराने साथियों को वंस अगेन वेलकम। मिल रही हूँ आपसे थोड़े से गैप के साथ और मूड तो ये था कि ईद के व्लॉग करूँगी अपलोड बराबर के डे के साथ, लेकिन कुछ रही मसरूफियत इतनी ज़्यादा कि सारे क्लिप्स मेरे पास पड़े रह गए और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपने ईद की सारी रूटीन और सारा कुछ कि हम मैंने ईद कैसे सेलिब्रेट की। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे मालूम है ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो ईद में हमने किया उसको मैंने कंपाइल किया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सबके व्लॉग मेरे तमाम वो साथी मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं देखे, लेकिन वक्फे वक्फे से जितना मुझे टाइम मिला मैंने आप सबके व्लॉग्स देखे और बिलीव मी बहुत खुशी हुई आप सबका ईद की सेलिब्रेशन देखकर। और स्पेशली जिन लोगों ने कुर्बानी की और जिन लोगों ने ईद अपने रिलेटिव्स के साथ अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर की, उन सब की जो सेलिब्रेशन देख के बहुत खुशी हुई। और हमारे यहाँ भी ईद जो थी वो सादगी से मना ली गई, मतलब सादगी से, इसलिए जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर होते हैं अकेले और इतना कोई मिलना जुलना नहीं होता, तो इस लिहाज से हमारी ईद कंपैरेटिवली बाकी सब जगहों की निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और ज़्यादातर तो रेस्ट ही होती है। और इस बात ऐसा हुआ कि हम चांद रात को चले गए बाहर तो काफ़ी थक गए और ईद वाले दिन बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैनेज करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ईद गुजार ही ली। और यहाँ पर जो है वो ये चांद रात का क्लिप है और बहुत लेट नाइट का क्लिप है और ये मैं बच्चों को ख़ुद से मेहंदी लगा रही हूँ। और इस बार जो है वो चूँकि COVID-19 की वजह से हम किसी मतलब पार्लर कर नहीं जा सके और मेहंदी नहीं लगवा सके। खैर ओपन तो सारे थे लेकिन मैंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी बहुत मेहंदी तो मैं ख़ुद भी लगा ही लेती हूँ, इतनी अच्छी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ, तो बच्चों का गुजारा चल गया। तो वो वैसे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों को तो बेसिकली कलर चाहिए होता है और उन्होंने डिज़ाइन जो थे वो नेट से पिकअप कर लिए थे। और इसमें मेरे तमाम साथी जो यूट्यूब पे डिज़ाइन शेयर करते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के डिज़ाइन से मुझे मिली बहुत सारी हेल्प और बच्चों ने अपने डिज़ाइंस को किसी हद तक चूज़ करके मुझे दे दिया और मैंने ट्राई किया कि किसी ना किसी तरीके से मैं इसको बना ही डालूँ। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों को मैंने जो है वो लगा दी थी मेहंदी और उसके साथ जो है वो ईद की तैयारी शुरू हो गई थी। और बड़ा मुश्किल जाता है, कुछ चीज़ें हमने चांद रात को बाय की और फिर उसको वॉश करके अगले दिन के लिए ड्राई करना, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो पहनी जा रही है ली जा रही है उसको इस्तेमाल से पहले जो है वो सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी हो गई थी हैक्टिक हमारे साथ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया। और ये अर्ली मॉर्निंग जो है वो उसका क्लिप है और जल्दी से मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो सेवइयां बना ली जाएँ, क्योंकि जब भी कभी इस तरह की सेलिब्रेशन होती है तो सबसे पहले जो है वो आप मीठे से शुरू करते हैं ताकि वो अच्छा सा ठंडा भी हो जाए और उसको बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगे, वो जल्दी से रेडी हो जाता है, तो आप उसको बना के आप साइड पे कर दें। तो सेवइयां बना रही थी, कुछ मैंने कुछ चीज़ें प्री ऑलरेडी डन करके रख दी थी। और कुर्बानी का सीन जो था वो ये था कि यहाँ पर जो है वो हम उस तरीके से कुर्बानी नहीं करते और हमारी कुर्बानी बेसिकली हुई थी पाकिस्तान में और हमेशा होती है, क्योंकि यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल होता है उस तरीके से जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और चूंकि हम मीट लवर भी नहीं हैं और फिर इतना सारा गोश्त इस्तेमाल करना और फिर उसको किसी नीडीज़ को पहुँचाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हर साल हम हमेशा कुर्बानी करते हैं पाकिस्तान में और वहीं पर जो है वो हमारे नाम की होती है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है। तो बेसिकली अल्लाह कबूल करने वाला है और तमाम अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब की कुर्बानियों को, आप सब की काविशों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और इस ईद को हम सब जो है वो यही दुआ कर सकते हैं कि जल्द अज़ जल्द ये तमाम जो एक पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है दुनिया में, एक अजीब सी सिचुएशन क्लियर हुई भी है कि हज भी जो है वो बड़ा लिमिटेड था, तो अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है कि अगली बार इस तरह की कोई कंडीशन ना हो।
अगली बार हम अपने भरपूर तरीके से हज अदा करें, अपने भरपूर तरीके से अपने तमाम त्यौहार, तमाम ईदें, दोनों ईदें और तमाम खुशियां अपने करीबी जानने वालों और सबके साथ जो है वो मनाएं। इंशाल्लाह जिस तरह की अच्छी न्यूज़ आ रही हैं तो वो वक्त दूर नहीं। तो चलते हैं अपने मीठे की तरफ। तो बन गया है मीठा सिंपल सा, मैं तो इसके अंदर चीनी वीनी बिल्कुल नहीं डालती, डायरेक्ट कंडेंस मिल्क का एक पैकेट डाल के और बना देती हूँ तो बहुत अच्छा सा रेडी हो जाता है। और ये हैं बच्चे मेरे, ये है इनका ईद का सिंपल सा ड्रेस। और मैंने दिया बच्चों को ईदी की जगह, हमेशा मैं बच्चों को ईद पर देती हूँ ईद गिफ्ट, और मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं अपनी पसंद की चीज़ों से। तो इस बार जो मिल सका जल्दी में मैं जाकर लेकर आ गई। तो ये जो हैं वो कुछ चीज़ें थी जो इनके साथ मैंने इनको दी, उसके साथ कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी थी, और वो बहुत खुश हो जाते हैं, फिर उनका पूरा दिन जो होता है वो इसी चीज़ों में लग जाता है। तो ये छोटा सा एक बच्चों के लिए जो है वो कहना चाहिए कि हैप्पी मूवमेंट होता है, उनको टॉयज़ दे दिए जाएँ तो वो उसमें बिज़ी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों की ईदी जो होती है वो और क्या होती है, वो खाना पीना, टीवी देखना, और पहले तो बाहर चले जाते थे लेकिन अब जो है वो इस ईद के दिन हम नहीं गए, लेकिन ईद के दूसरे तीसरे दिन हम बाहर निकले और बड़ी प्रिकॉशंस के साथ निकले, और कंपैरेटिवली देख के खुशी हुई कि माहौल जो है वो अब थोड़ा सा बेहतर है। मतलब लोग काफ़ी सारे जो थे वो बाहर थे और मतलब बच्चे भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हुए। तो ये बना ली थी ईद के दिन मैंने झटपट सी जो है वो मटन बिरयानी, और मटन बिरयानी जो है वो हमेशा मैं ईद पे बनाती हूँ मटन पुलाव, लेकिन इस बार जो है वो बिरयानी का मूड हो गया और जल्दी जल्दी से मैंने बिरयानी बना ली, और दो एक चीज़ें जो थी वो रात को बना कर रख ली थी कुछ जो है वो, ताकि आसानी हो जाए। और बस ये हमारी छोटी सी ईद थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी और हमेशा रखती हूँ, और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये जो क्लिप था वो पर्टिकुलर ईद के लिहाज से था, लेट हो गया लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगी किसी नए टॉपिक और नई जगह के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एक दूसरे को खुश करें लेकिन तकलीफ़ बिल्कुल ना दें, और एक दूसरे से मोहब्बत करें, और लेकिन इस तरह भी नहीं कि लाइक बिल्कुल ही मतलब अपना टाइम जो है वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप ना करें। एक दूसरे के साथ करीब रहें, उसके दुख दर्द में शामिल रहें, और हर किसी को मार्जिन दें, हर किसी की एक लाइफ है उसको स्पेस दें, और सबके साथ जो है वो मिलके रहने का तरीका सीखना चाहिए और सीखें। और ये स्पेशल मैसेज था ईद के लिए, और आप सबके अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मिलूंगी जल्द, बहुत जल्द आपके साथ एक मरतबा फिर। और बिलेटेड ईद मुबारक वंस अगेन, और लाइक और शेयर करते जाइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।